क्वेश्चन क्या है, किसी घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है और कहा गया इसके पृष्ठ पर कितना स्पर्श रेखी बल लगाया जाए कि उसमें अपरूपण विकृत 2 डिग्री उत्पन्न हो जाए, 20 नहीं 2 डिग्री है ठीक है, उत्पन्न हो जाती है। तो आपको बल निकालना है, तो एक घन का चित्र बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब अगर इस पर बल लगाएंगे, मान लो ऐसे फोर्स लगा दे इस पर, ऐसे एक सतह को स्थिर कर दो, दूसरे पर बल लगा दो, तो ये वाली साइड मान लो यहाँ पहुँच गई, ये वाली साइड हट के यहाँ पहुँच गई, तो कोणीय विकृति जो बनी ये इतनी थीटा, भुजाएँ कितना टेढ़ी हो गई, तो यहाँ पर भी वही घटना होगी, ये वाली साइड यहाँ। चित्र कोई जरूरी नहीं है, ये समझने के लिए बनाएंगे। ठीक, तो इसकी भुजाएं जो टेढ़े में कितनी हुई थीटा, तो कोणीय विकृत सवाल में कितनी दे रखी, थीटा कितना दिया, 2 डिग्री, डिग्री को रेडियन बना दो पता बन जाएगा, थीटा दे रखा है, एरिया निकाल लो, भुजा कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 10 × 10। अब सेंटीमीटर मीटर बना लेंगे, 10^-2 × 10^-2, तो एरिया आ जाएगा 10^-2 मीटर, ये 2 जीरो काट के जोड़ दो, इतने तो बना। तो ईटा बराबर फार्मूला क्या होता है, F/A/θ, तो इसको अगर इधर ले आओ तो F = आएगा ईटा θ A, भाई ये गुड़े में गया और एक इधर गुड़े में भेज दो, ईटा की वैल्यू कितनी है, 9 × 10^10, ईटा का थीटा कितना दिया है, पाई की वैल्यू 3.14, बटा कितना है 180। ठीक, एरिया कितना है, 10^-2। अब चाहो तो ये जीरो हटा दो, ऊपर भेज दो, माइनस घात हो जाएगी, ऊपर घात कितनी लग जाएगी, माइनस की, और 2 से अगर हम इसको काट दें तो 9 बचा, 9 और 9 साफ हो गया, तो बचे कितने, 3.14 × 10^ यहाँ 10 है और 3 कम करो कितनी आ जाएगी, 7 मात्रक न्यूटन। ठीक, इतने निकालना था, कहा था कि एक साइड को अभी अपरूपण प्रतिबल पर अगर बात होगी, दृढ़ता गुणांक पर, तो आपको घनाकार वस्तु लेनी होगी, बेलनाकार ऐसे भी हो सकती है, न्यूमेरिकल में ऐसा भी बोल सकता है कि बेलन एक साइड स्थिर किया, दूसरे पर बल लगाया तो इसकी भुजाएं टेढ़ी हो गई, मतलब कौन सी विकृति आई, कोणीय विकृति। ठीक, तो कहा था कि अगर घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक साइड को स्थिर करें, दूसरे पर स्पर्श रेखी बल लगाएं, तो इसकी भुजाएं क्या होंगी, ऐसे टेढ़ी हो जाएंगी, तो विकृति जो आएगी वो कोण में आ जाएगी। ठीक है, स्ट्रेन किस में आएगी, एंगल में आएगी, तो कोणीय विकृत दे रखी है यहाँ पर, कितनी दे रखी थी, 2 डिग्री, तो डिग्री को क्या बनाओगे, रेडियन, गुणा करा देंगे, एरिया इस साइड पर जिस पर फोर्स लगा है इसका एरिया कितना बनेगा, भाई घन है ना, तो भुजा गुणे भुजा, तो 10 × 10 सेंटीमीटर को मीटर बना लिया। ठीक, ईटा बराबर हमको चाहिए क्या, एफ चाहिए, तो इस पर कंडीशन क्या थी, ईटा बराबर F/A/θ, तिरछे गुणा करा लो, तो ये दोनों एक साथ गए और ये पापा ने इधर ए इधर भेज दिया, सबकी वैल्यू पता थी, रख दिया, तो हो जाएगा। ठीक, अगला देखो भैया, 2 द्रव परस्पर मिश्रित किए गए, कोई 2 अलग अलग प्रकार के पानी द्रव थे, दोनों को आपस में मिलाया गया। ठीक, पानी प्रकार से नहीं मतलब कहूँगा, नाले का था कि नल का था, इसे नहीं तुम्हारा मतलब, 2 अलग अलग प्रकार का पानी था, तो उसको मिलाया गया, तो कह रहा कि ऐसे मिलाया गया कि जब इन दोनों द्रवों का आयतन समान रख कर मिलाया गया, 2 पानी लिए गए थे अलग अलग 2 टाइप के, तो उनका जब आयतन बराबर मिलाया गया लेकर, तो कहा है कि मिश्रण का जो आपेक्षिक घनत्व तो था वो 4 मिला। ठीक, फिर कहा जाता है जब इन द्रवों के द्रव्यमान समान करके, मतलब वजन दोनों का बराबर करके मिलाया गया, तो आपेक्षिक घनत्व तो कितना मिल रहा है, 3 हो जा रहा है, तो कहा गया अलग अलग द्रव का घनत्व तो कितना था। ठीक, ध्यान रखना, देखो ऐसे भी 2 जो द्रव हैं उनके अलग अलग घनत्व हम ρ1 ρ2 मान लें, D1 D2 मान लो, डेंसिटी रो से लिख लो, तो जब आयतन समान किया जाएगा तो जो भी घनत्व आएगा वो भी मैक्सिमम होगा, क्या होगा, तो उस केस में क्या करना, दोनों के घनत्वों को जोड़ देना और बटा कितना कर दो, तो ये कितना दिया गया भैया, 4, तो 4 लिख दीजिए, ρ1
रो टू बाई टू, ये कितने बन गए आठ। रो वन प्लस रो टू बराबर कितने आ गए आठ। ठीक, कब बना, जब आयतन समान किया गया। अच्छा फिर क्या कहा, द्रव्यमान समान करो जब, तो जब द्रव्यमान करोगे तो ये हो जाएगा भैया मिनिमम, तब कम से कम मिलेगा। ठीक, तो इस कंडीशन इसमें क्या बनेगी, टू रो वन रो टू बटा रो वन प्लस रो टू। अब मिनिमम कितना कहा है तीन, ये कितना है आठ, आठ इधर भेज, आठ लिख के इधर भेज दो गुणे, तो तीन की आठ से गुणा बराबर टू रो वन रो टू, दो से आठ कट गया तो चार तिया बारह, तो अपने पास रो वन रो टू बराबर कितने आ गए बारह बन गए। ठीक, अब जरा ऐसे आइडिया लगाओ, कोई ऐसी दो संख्या लो जिनका जोड़ो तो आठ आवे और गुणा कराओ तो बारह हो गए, छः दो आठ, छः दो नहीं बारह, तो क्या करियो लगाएगा, रोहन बराबर कत्ता हो जाएगा छः और रोटू बराबर कत्ता आ जाएगा दो, कोई भी हो सकते इसमें, अरे इसमें कोई एक छः हो जाए दूसरा दो हो जाएगा, ऐसे लेकिन नहीं लगाना है। ठीक है, तुमको ऐसे नहीं लगाना है भैया, विधिवत लगाओ पूरा, ये जान गए, बाकी तुमको डायरेक्ट याद रखना है, अगर दो अलग अलग प्रकार के द्रव मिलाए जा रहे हैं उनके दो कंडीशंस बनती हैं, कौन कौन से, अगर आयतन समान होगा तो उस केस में घनत्व जो अपेक्षित होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, और अगर द्रव्यमान बराबर होगा तो उस केस में मिनिमम हो जाएगा, तो आप ऐसे लगा लेंगे। अगर जब आयतन बराबर हुआ तो कंडीशन क्या बनी, दोनों का अलग अलग घनत्व जोड़ लो, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो दोनों का द्रव्यमान आपको जोड़ लेना है और बटे में क्या बनेगा आयतन बनेंगे, तो आयतन वी वन और दूसरे का कितना मान लेंगे वी टू, कुल द्रव्यमान और कुल आयतन, एकम जुड़ भाई, पानी मिल गया आपस में तो सब कुछ जुड़ गया। अब पहले क्या कहा गया है, आयतन समान है तो द्रव्यमान को चेंज कर लो, द्रव्यमान बराबर होगा घनत्व गुणे आयतन, तो इसको भी क्या लिखोगे घनत्व गुणे आयतन। अब ये यम वन है तो ये रो वन है, ये यम टू है तो रो टू, तो इसमें अगर वैल्यू रखोगे तो कितना बनेगा, एम वन की जगह पर रो वन वी, इसकी जगह पर रो टू वी, बटे में वी प्लस वी, क्या हुआ आयतन बराबर करना है ना, तो वी अगर कामन ले लो तो सब कट गए, तो क्या आया रो वन प्लस रो टू बाई कितना बना टू, इतने तो आया, और ये वैल्यू आपको दे रखे कितनी दिए चार, तो चार रख के इधर भेज दो तो चार दूनी आठ बराबर रो वन प्लस रो टू, बहुत टेढ़ा बन रहा है, पोलियो हो गया। ठीक, रो वन प्लस रो टू समीकरण एक हो गई। फिर क्या कहा गया, ये कब बनाया है, जब क्या हो आयतन समान हो। ठीक, अब क्या कहा गया, जब द्रव्यमान समान हो जाए, द्रव्यमान समान हो तब, फिर फार्मूला वही, तो इस केस में क्या लिखोगे भैया, आयतन को चेंज करना पड़ेगा, तो आयतन बराबर यही चेंज करो, द्रव्यमान बटा घनत्व, तो ये वी वन और ये इतना बना, तो वी टू बराबर एम अपान रो टू हो जाएगा, इसमें रख दो, तो अब रो बराबर क्या बना, एम की जगह पर एम, इसकी भी जगह पर एम, बटे में बना एम अपान रो वन एम अपान रो टू, ऊपर बन गए टू एम, और नीचे यम ले लो कॉमन और एलसीएम ले लो तो बना रो वन प्लस रो टू बटे में रो वन इंटू रो टू, ये समझ पाए, ये अगर यम कॉमन लोगे तो एक बटा रो वन और एक बटा रो टू, एलसीएम ले लो तो नीचे नीचे गुणा ऊपर तिरछे गुणा करा दोगे तो रो वन प्लस ये आ जाएगा। अब यम यम तो कैंसिल हुई है, तो ये गया गुणे में, तो रो की वैल्यू कितनी मिली, टू रो वन रो टू अपान रो वन प्लस रो टू, अब ये कितना दे रखा है तीन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया गया तीन, इधर लगा दे चलो दे, तो यहाँ जब तीन रखोगे और रो वन प्लस रो टू कितना बोला गया था आठ है, तो आठ दिया चौबीस, तो लिख दीजिए चौबीस बराबर ये टू संख्या रो वन इंटू रो टू, दो से चौबीस कट गया, रो वन रो टू बराबर कितने आ गए बारह, समीकरण कितने हो गए दो। ठीक, अब द्विघात समीकरण बना लो मर्जी हो या इसे लगा लो, द्विघात समीकरण रहने दो। एक फार्मूला क्या पढ़ा था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, इसकी जगह पर रो वन
और इसकी जगह पर रो टू, इसकी जगह पर रो वन और इसकी जगह पर रो टू, यहाँ पर रो वन और यहाँ पर रो टू। तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है, आठ, आठ का स्क्वायर 64 माइनस 4 रो वन रो टू कितने 12, 12 चौके 48, ये कम करो जरा कितने 16 बचेंगे। अब जब स्क्वायर हटाओगे तो रो वन माइनस रो टू आ गए 4, समीकरण कितने बनी, समीकरण एक इसके नीचे लिख लो, जब जोड़ दोगे तो ये कट जाएंगे, तो 2 रो वन बराबर 12, तो रो वन बराबर 6, ठीक, रुपया रहे 8, खाएगे वो 6 बचे कत्ते, तो अगला दुई हो जाएगा। अरे यहीं रख लो ना 6, उधर भेजोगे दुई तो बचेगा, तो रो टू बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक। अगला देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर इतना लाना है, तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा, खोल दीजिए इनका, जैसे पहला सवाल अगर लगाना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो क्या बन जाएगा, वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2a.b माइनस, इसमें स्क्वायर लगाओ, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर माइनस का 2 vector a.b बनेगा। LHS ले लीजिए इसका, ठीक, लिख देते हैं LHS से। अब अगर वेक्टर का स्क्वायर है, परिमाण अगर लोगे तो ये वेक्टर हट जाएगा, स्क्वायर अगर है तो बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a.b, ये ना हटाओ, यही तो लाना है, और माइनस से अगर ओपन कर दो और ये परिमाण ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2 vector a.b, ये तो कट गए, तो कितना आ जाएगा 4, अतः तो बनेगा। अगर ये सवाल आ गया और होता तो जानते हो क्या होता, कहा जाता 4ab cos थीटा लाई है, तो a.b कितने के बराबर होता है, a का परिमाण b का परिमाण cos थीटा, अगर आगे बढ़ता तो ठीक, फिलहाल इतना है तो इतने में पूरा कर लेंगे। अगला देखो, अगले में देखो स्क्वायर तो लगाने जो वर्क करेंगे, बीच में चिन्ह कौन सा है, गुणा कौन सा, क्रॉस वाला, तो क्रॉस वाली गुणा कैसे कराएंगे, सदिश वाली गुणा है ना, तो पहले ए से इसकी गुणा, ठीक, क्रॉस लगा के लिखोगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, फिर उसके बाद प्लस लगा है ए के साथ, दोनों को लिख लो फिर बी के, जैसे कक्षा 7 हम सवाल लगाते थे यार, फिर क्या लिखोगे ए माइनस बी, और जब ए से गुणा कराओगे तो बन जाएगा ए क्रॉस ए, और फिर इससे जब गुणा कराया तो माइनस का ए क्रॉस बी, ए से कराओ तो ए पहले में रखो जिससे करा रहे हो, फिर जब इससे बी से गुणा कराओगे तो बन जाएगा बी क्रॉस ए, और इससे गुणा कराया तो बन गया वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ तक ठीक। अब अगर दो सदिश के बीच हम क्रॉस निकाल रहे हो, इधर अलग समझते हैं, चलो यहीं देख लो, मान लो आई क्रॉस आई निकालना है आपको, तो आई का मतलब एक्स अक्ष की डायरेक्शन में सदिश है, और ये भी किधर है, एक्स अक्ष की डायरेक्शन में है, तो लिखोगे आई का परिमाण वेक्टर लेके लिखते हैं, चलो कैपे ले लो, इनटू क्या लिखोगे, क्रॉस है तो साइन में लेंगे, एंगल इनके बीच का अगर एक ही डायरेक्शन में तो कोण कितना यार, और साइन जीरो का मान कितना, तो वैल्यू कितनी आ गई। तो अगर समान सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो, ठीक है, तो हमेशा कितना करना है, तो क्रॉस में ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, बचे ये दोनों, तो माइनस ए क्रॉस बी, और इसको अगर ए क्रॉस बी बनाओगे डायरेक्शन चेंज करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, कैसा हो जाएगा माइनस का, तो बन गया ए क्रॉस बी, और दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा माइनस का 2a cross b, ठीक, नोट हो गया। एक बार एक लड़के से पूछा दुनिया में सबसे खूबसूरत क्या है, तो उसके भैया दिमाग में जो चल रहा था वही बता दिया, फिर मुझे ज़रा सोच के बताओ, तो बहुत देर सोचा कि नहीं समझ में आया, कैसा जो हमको दिख रहा है वही सबसे खूबसूरत, तो सबसे खूबसूरत क्या है ज़िंदगी में, दुनिया में सबसे खूबसूरत क्या है, खुद का करेक्टर है ना, हाँ खुद का करेक्टर जितना बढ़िया होगा वो उतने ज़्यादा इंसान खूबसूरत रहेगा, तुम खूबसूरती का ही मानते हो। चलो अच्छा अगला देखो, है तीसरा वाला,
LHS ले लो, क्या लिखा है, एक क्रॉस बी, एक क्रॉस बी कितने के बराबर होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये होता है भैया ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू साइन थीटा, और ए डॉट बी कितना होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा, है ना, ये सदिश गुणन और ये अदिश गुणन, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर रख दो केवल, ठीक। तो जब इसके जगह पर लिखोगे ये वैल्यू तो क्या बनेगा, ए बी साइन थीटा का स्क्वायर, इसकी जगह पर जब ये लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक। अब दोनों पर स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर लगा लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कामन कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कामन, तो ब्रैकेट में कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू एक होती है तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया, वेक्टर ए डॉट ए क्रॉस बी बराबर जीरो, तो अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, कितना दिया गया, वेक्टर ए ए क्रॉस बी। अब ऐसी जब कंडीशन आएगी तो आपको क्या बनना है, ए क्रॉस बी जो होगा ए और बी दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे डॉट में, तो जब इसको डॉट में कन्वर्ट करोगे तो इसको क्या लिखोगे, ए का परिमाण हो जाएगा, इधर कितने बने, ए क्रॉस बी, ऐसे इनको लिख दीजिए। अब ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, तो ए बी कॉस थीटा, और एक दूसरे के लंबवत होंगे तो कॉस 90 का मान कितना, तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक। ऊपर हटा दें, अगले में क्या कहा, ए क्रॉस बी जीरो, बी क्रॉस सी जीरो, तो सी क्रॉस ए सिद्ध करो जीरो। अगर ए क्रॉस बी जीरो है इसका मतलब क्या होगा, हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस कितना 90, साइन होगा ना, साइन कितना करें जीरो, अगर जीरो कर दें तो आ जाएगा जीरो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए और बी एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक। और बी और सी को अगर चेक करा जाए इसी प्रकार से, तो B क्रॉस C अगर जीरो है, इसका मतलब यहाँ भी एंगल कितना बन रहा है, अरे इसको निकाल के देख लो भाई, क्या लिखोगे इसको, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C बराबर बी सी साइन जीरो, तभी तो जीरो होगा। इसका मतलब B से C भी कैसे है, समांतर है, एक दूसरे के सब कैसे बन गए, समांतर बने। तो A और C अगर चेक करा जाए, चूंकि है ना, चूंकि कैसे बनता है, ऐसे अपने जैसे बनता है, ये आँखें और यू चूंकि क्या लिखोगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, हमको क्या लाना है, जीरो, तो बन जाएगा। देखो क्या लिखोगे, ए का परिमाण सी का परिमाण इनटू, भाई पैरेलल ही है तो कोण कितना आ जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, जीरो। देखो बनाना था कल क्वेश्चन, कहा गया कोई सदिश दिया गया वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और एक ये कंडीशन दे रखी है, तो कहा गया कोण ज्ञात कीजिए, किसके किसके बीच में, ए और बी में बताओ, बी और सी में बताओ, सी और ए में बताओ, ठीक। तो वैसे कोण अगर चित्र बना होगा उससे कोण निकालना होगा तो अलग चीज़ होगी, और अगर इक्वेशन दे रखी फिर कहा जाए तो क्या करेंगे, किसके किसके बीच में पहले पूछा गया, तो इस समीकरण में ए और बी एक तरफ कर लो, जिसके बीच का कोण पूछा जाएगा उन दोनों सदिशों को एक तरफ कर लेंगे, जैसे बी और सी कहा गया तो एक तरफ है, कोई दिक्कत नहीं, सी और ए कहा जाए तो इस सी को इधर ले आना, ठीक। ए और सी या सी और ए बात एक ही है, तो हमसे पहले किसी पूछा गया, तो अगर बी इधर ले आए पहली कंडीशन, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर कितना आ जाएगा, वेक्टर सी, लिख सकते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लो, तो जब स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर वेक्टर सी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ से वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर माइनस टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बनेगा, बराबर इधर कितना आ गया, वेक्टर सी स्क्वायर,
ठीक। अब वेक्टर लगा है, पर स्क्वायर भी है, स्क्वायर लगा है, और वेक्टर का अगर परिमाण लेंगे तो वेक्टर हट जाएगा, तो क्या लिखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इनको हटाओ तो क्या लिखोगे ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, बराबर कितना हो जाएगा सी स्क्वायर। और यहाँ से देखो सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, दे रखा है ना, तो सी स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो बी स्क्वायर इधर लाएंगे, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और ये वैल्यू अगर यहाँ लिख दी जाए तो क्या अपने पास आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर तो कट जाएंगे और बी स्क्वायर तो कैंसिल नहीं होगा, इसको इधर ले आओ, कितने बन गए टू बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा बराबर कितना गया जीरो। इसको इधर ले आओ टू बी स्क्वायर बराबर टू ए बी कॉस थीटा, इस बी से कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, टू सही है ना आठ है, ए अपॉन में भेज दो तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है बी अपॉन ए, तो थीटा बराबर कितना आया कॉस जब इधर लाओगे तो घात माइनस की हो जाएगी, कितना जाएगा बी बाई ए, ठीक है थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बी अपॉन ए बन गई। अब जैसे जिस रूप में क्वेश्चन है अगर इनके बीच का एंगल निकालोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, ये वाला सवाल जब लगाओगे भाई यहाँ पे ऐसे देखो जब ए और बी के बीच का कोण निकाला है तुमने तो क्या कंडीशन बनी बी बाई ए, क्या बनी है ए और बी में बी पहले बन गया और ये, तो जब सी और ए निकालोगे तो क्या आएगा सी ए बाई सी, ए बाई सी बन जाएगा और इसमें फिक्स कोई कोण आ जाएगा, तो ये अपने आप से ट्राई कर लोगे भाई इस ए को इधर ले आना और बी को उधर भेज देना तो सी माइनस ए बन जाएगा, या सी को इधर ले जाना, अरे सी उधर ले जाओ तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर, और वैसे ओपन कर लेना और फिर बी को हटा लेना यहाँ से इसको भेज करके, तो सी अपन ए उत्तर आ जाएगा इसमें, तो इसका आंसर कितना आएगा कॉस इनवर्स सी बाई ए। और अगर इनके बीच का कोण निकालोगे तब लगाओ देखो सेकेंड ना ए स्क्वायर इधर बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी कॉस थीटा, अब तो सही है और ए बराबर कितना हाँ तो ये बन गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू बी सी कॉस थीटा, ये सब कट गया इधर कितना बना जीरो, जीरो तो आया तो क्या लिख सकते हैं टू बी सी कॉस थीटा बराबर जीरो, तो दो तो जीरो हो गया, बी बराबर जीरो हो नहीं सकता, सी बराबर जीरो हो नहीं सकता, तो क्या जीरो हो सकता है और कॉस थीटा में जीरो कितने का मान, अरे जीरो कितने नब्बे का होगा ना, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा नब्बे, तो इसमें कोण आ जाएगा और इसमें इसमें कोण ए और बी उन्हीं संख्याओं पदों बनेंगे, ठीक हो जाएगा ना इस टाइप के।